साई जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साई सच्चरित अध्याय 10 कथा मेरे साई की। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साई जीवन माला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। तो आज हम आपको साई सच्चरित के अध्याय 10 की जो आगे की कथा बाकी थी उसे का हम आप सभी को और स्वयं साईनाथ महाराज को बाबा की द्वारका माई में श्री साई बाबा सेवा आश्रम करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थापित हुप हाउस शेटी धाम में इस कोरोना महामारी से संसार की रक्षा के लिए शिरडी के साईनाथ महाराज को हम यह महाग्रंथ श्री साई सच्चरित का पावन ग्रंथ बाबा को सुना रहे हैं। बाबा आप सभी की परेशानियों को दूर कर इन्हीं प्रार्थनाओं को इन्हीं आशाओं को लेकर हम शुरू करते हैं साई सच्चरित के अध्याय 10 की आगे की कथा। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप सभी साईं बाबा के इस चैनल पे साईं जीवन वाला पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी साईं सच्चरित के इस महाग्रंथ के पाठ का श्रवण कर सके और संसार में आ रही इस महामारी से सभी की रक्षा के हेतु उस साईं प्रार्थना में हिस्सेदारी निभा सके। तो बोलिए श्री साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगी राज, परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी को विशेष साधुवाद कि आप सभी का प्यार बना हुआ है और आप सभी को साईं सच्चरित का यह महाग्रंथ अच्छा लग रहा है। यह बहुत ही मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं ओम साई राम, जब आप लोग बताते हैं कि ऐसा लगा वैसा लगा, जैसा भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं इसी तरह की आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। आज मैं एक सब्सक्राइबर को कुछ कहना चाहूँगा, नाम है भानु प्रताप जी। इन्होंने मुझे साईं सच्चरित के अध्याय 9 में मुझे बोला था कि शर्ट अच्छी नहीं लग रही। मैंने जो शर्ट पहनी थी रेड कलर की थी, मैंने देखे होंगे आप लोग, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उस शर्ट को पहन के मैं अपनी वाइफ से देखने गया था जब मैहर मेरी शादी हुई है तो वहाँ पर मैंने देखने गया था, वही शर्ट को पहन के गया था। बाद में मैंने उसको शर्ट को पहन के जब घर में पहन के उससे पूछा ये शर्ट कैसे लगती है, कितनी गंदी शर्ट है, कहाँ से लिया, कैसा है, वैसा है, अच्छी नहीं लगती है, तुम तो इसी शर्ट मुझे पसंद किए थे। बोलती मैं क्या बाबा थे आदेश जैसा भी था, आगे फिर आपको बताऊंगा जैसा जैसा याद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं साई सच्चरित के अध्याय 10 का जो कल की कथा हमने बाकी छोड़ी थी। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। गुरु तो अनेक हैं, कुछ गुरु ऐसे हैं जो द्वार द्वार हाथ में बीड़ा और करताल लिए अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करते फिरते हैं। वे शिष्यों के कानों में मंत्र फूंकते हैं और उनकी संपत्ति का शोषण करते हैं। वे ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता का केवल ढोंग ही रचते हैं। वे वस्तुतः अपवित्र और अधार्मिक होते हैं। श्री साईं बाबा ने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार भी कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू ना गई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था, असीम प्रेम था। गुरु दो प्रकार के होते हैं, नियत और अनियत। अनियत गुरु के उपदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक की वृद्धि होती है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से दैत्य बुद्धि का ह्रास शीघ्र हो जाता है। और गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। यथार्थ में जो हमें आत्मस्थित बनाकर इस भव सागर से पार उतार दें वही सद्गुरु है। श्री साईं बाबा उसी कोटि के उच्च सद्गुरु थे, उनकी महानता अवर्णनीय है। जो भक्त बाबा के दर्शनार्थ आते हैं उनके प्रश्न करने के पूर्व ही साईनाथ महाराज उनके समस्त जीवन की त्रिकालिक घटनाओं का पूरा पूरा विवरण कह देते थे। ऐसे थे मेरे साईं कि जो भक्त उनके द्वार पे जाता है एक बार सीढ़ी उनकी द्वारका माई की चढ़ जाता है, बाबा अपनी स्मरण शक्ति से, बाबा अपनी चेतना शक्ति से उस भक्त की पूरी बायोडाटा, पूरी उसका इतिहास बता देते थे। ऐसे चमत्कारियों में से एक थे मेरे साईनाथ महाराज। वे समस्त भूतों में ईश्वर दर्शन किया करते थे। मित्र और शत्रु उन्हें दोनों एक समान थे। वे निस्वार्थी तथा दृढ़ थे। भाग्य और दुर्भाग्य का उन पर कोई प्रभाव न था। वे कभी संशयग्रस्त नहीं हुए।
देहधारी होकर भी उन्हें देह की किंचित मात्र भी आसक्ति न थी। देह तो उनके लिए केवल एक आवरण मात्र था। यथार्थ में वे नित्य मुक्त थे। वे शिरडी के वासी धन्य हैं जिन्होंने श्री साईं बाबा की ईश्वर रूप में उपासना की। सोते जागते खाते पीते और बाड़े या खेत में तथा घर में अन्य कार्य करते हुए भी वे लोग सदैव उनका स्मरण किया करते थे। साईं बाबा के अतिरिक्त दूसरा कोई ईश्वर वे नहीं मानते थे। शिरडी की नारियों की प्रेम की माधुरी का तो कहना ही क्या है। वे बिल्कुल भोली भाली थी। उनका पवित्र प्रेम उन्हें ग्रामीण भाषा में भजन रचने की सदैव प्रेरणा देता रहता था। यद्यपि वे शिक्षित न थी तो भी उनके सरल भजनों वास्तविक काव्य की झलक थी। यह कोई विद्वता न थी वरन उनका सच्चा प्रेम ही इस प्रकार की कविता का प्रेरक था। कविता तो सच्चे प्रेम का प्रगट स्वरूप ही है जिसमें चतुर श्रोतागण ही यथार्थ दर्शन या रसिकता का अनुभव करते थे। साईं बाबा की जितनी लीलाएं हमने अभी तक सुनी, जितने चमत्कार हमने अभी तक सुने, बाबा बहुत ही मतलब जितना कहा जाए कि हद से ज़्यादा बाबा की चमत्कारी घटनाएं थी। और बाबा के दर पे गया कोई भी वक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। यह साईं के जीवन काल का साक्षात प्रमाण था। बाबा की विनयशीलता आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान 6 प्रकार के विशेष गुण होते हैं। पहला है कीर्ति, श्री, वैराग्य, ज्ञान, ऐश्वर्य और उदारता। श्री साईं बाबा में यह सब गुण विद्वान थे। उन्होंने भक्तों की इच्छा पूर्ति के निमित्त ही सगुण अवतार धारण किया था। उनकी कृपा दया बड़ी ही विचित्र थी। भक्तों के हेतु वे अपने श्रीमुख से ऐसे वचन कहते थे जिनका वर्णन करने का सरस्वती भी साहस ना कर सकती। उनमें से यहाँ पर एक रोचक नमूना दिया जाता है। बाबा अति विनम्रता से इस प्रकार बोलते, दासानुदास मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कैसी विनम्रता है। यद्यपि ब्राह दृष्टि से बाबा विषय पदार्थों का उपभोग करते हुए प्रतीत होते थे, परंतु उन्हें किंचित मात्र भी अपनी गंध ना थी और ना ही उनके उपभोग का ज्ञान था। वे खाते अवश्य थे परंतु उनकी जीहा की कोई स्वाद ना था। वे नेत्रों से देखते थे परंतु उस दृश्य में उनको कोई रुचि ना थी। काम के संबंध में वे हनुमान सदृश अखंड ब्रह्मचारी थे। उन्हें किसी पदार्थ में आसक्ति ना थी। वे शुद्ध चैतन्य स्वरूप थे जहाँ समस्त इच्छाएं अहंकार और अन्य चेष्टाएं विश्राम पाती थी। संक्षेप में वे निस्वार्थ मुक्त और पूर्ण ब्रह्मा थे। इस कथन को समझने के हेतु एक रोचक कहानी मैं आप लोगों को बताता हूँ जो यहाँ पर दिया गया है। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। नानावली। नानावली बाबा के परम भक्तों में से एक था। शिरडी में नानावली नाम का एक विचित्र और अनोखा व्यक्ति था। वह बाबा के सब कार्यों की देखभाल किया करता था। एक समय जब बाबा गादी पर विराजमान थे वह उनके पास आया। वह स्वयं ही गादी पर बैठना चाहता था, इसलिए उसने बाबा को वहां से हटने को कहा। बाबा ने तुरंत गादी को छोड़ दी और नानावली वहां जाकर विराजमान हो गई। ऐसे ही गादी में बाबा द्वारका माई में बैठे थे तो नानावली नाम का जो भक्त आया और बाबा को कहा, बाबा आप गद्दी को छोड़ो मैं बैठूंगा। तो बाबा ने बिना कोई सवाल जवाब किए शांतिपूर्वक गद्दी को छोड़ दिए। बाबा की गद्दी को छोड़ते हुए नानावली वहां पर जाकर बैठ गया। अब क्या होता है आगे की कथा हम सुनते हैं। थोड़े समय वहां बैठकर वह उठा और बाबा को अपना स्थान ग्रहण करने को कहा। बाबा पुनः आसन पर आकर बैठ गए। यह देखकर नानावली उनके चरणों पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनायास ही आज्ञा दिए जाने और वहां से उठाए जाने के कारण बाबा में किंचित मात्र भी अप्रसन्नता की झलक ना थी। सुगम पथ संतों की कथाओं का श्रवण करना और उनका समागम, जैसा कि आपने देखा कि नानावली को बाद में बहुत पश्चाताप हुआ कि बाबा को मैंने गद्दी से उठाकर स्वयं विराजमान हुआ लेकिन बाबा ने मुझे एक मात्र भी शब्द कुछ नहीं कहा, किंचित मात्र भी बाबा को कुछ भी गलत नहीं लगा। समागम।
यद्यपि बाह्य दृष्टि से साईं बाबा का आचरण सामान्य पुरुषों के सदृश ही था, परंतु उनके कार्यों से उनकी असाधारण बुद्धिमता और चतुराई स्पष्ट ही होती थी। उन्होंने कभी भी अपने भक्तों को किसी आसन या प्राणायाम के नियमों अथवा किसी उपासना का आदेश कभी नहीं दिया और ना ही उनके कानों में कोई मंत्र ही फूका। उनका तो सभी के लिए यही कहना था कि चातुर्य त्याग कर सदैव साईं साईं का स्मरण करो। इस प्रकार आचरण करने से समस्त बंधन छूट जाएंगे और तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पंचाग्नि तप त्याग स्मरण अष्टांग योग आदि का साध्य होना केवल ब्राह्मणों को ही संभव है। मन का कार्य विचार करना है, बिना विचार किए वह एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि तुम उसे किसी विषय में लगा दोगे तो वह उसी का चिंतन करने लगेगा, और यदि उसे गुरु को अर्पण कर दोगे तो वह गुरु के संबंध में ही चिंतन करता रहेगा। आप जैसा अपने मन को रखोगे वह ऐसा आचरण आपके साथ करेगा। या आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक साईं की महानता और श्रेष्ठता श्रवण कर रहे हैं। ये कथाएं सांसारिक भय को निर्मूल कर आध्यात्मिक पथ पर आरूढ़ होती है, इसलिए इन कथाओं का हमेशा श्रवण और मनन करना चाहिए तथा अपने आचरण में लाना चाहिए। मैं जो आप लोगों को साईं सच्चित की कथा सुना रहा हूँ, ये बाबा की जीवनी है, बाबा का जीवन चरित्र है, जो आप लोगों को सुनने का सौभाग्य मिला है। तो एकाग्र मन से बाबा की इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने और कृपया वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि ये साईं की कथा चल रही है। आप साईं की कथा का अनादर ना करें, यही मेरी प्रार्थना आप लोगों से है। सांसारिक कार्यों में आचरण में लाओ। सांसारिक कार्यों में लगे रहने पर भी अपना चित्त साईं और उनकी कथाओं में लगाए रहो, तब तो यह निश्चित है कि वे कृपा अवश्य करेंगे। यह मार्ग अति सरल होने पर भी क्या कारण है कि कोई इसका अवलंबन नहीं करते? कारण केवल यह है कि इस कृपा के अभाववश लोगों में संत कथाएं श्रवण करने की रुचि उत्पन्न नहीं होती। ईश्वर की कृपा से ही तो प्रत्येक कार्य सुचारू एवं सुधर ढंग से चलता है। संतों की कथा का श्रवण ही संत समागम सदृश है। संत सानिध्य का महत्व अति महान है, उससे दैहिक बुद्धि अहंकार और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति हो जाती है। हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और ईश्वर से मिलन हो जाता है, जो चैतन्य धन स्वरूप है। विषयों से निश्चय ही विरक्ति बढ़ती है तथा दुखों और सुखों में स्थिर रहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और आध्यात्मिक उन्नति सुलभ हो जाती है। तुम कोई साधन जैसे नाम श्रवण पूजन या भक्ति इत्यादि नहीं करते, परंतु अनन्य भाव से केवल संतों के ही शरणागत हो जाओ तो वे तुम्हें आसानी से भवसागर के पार उतार देंगे। इस कार्य के निमित्त ही संत विश्व में प्रकट होते हैं। पवित्र नदियाँ गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा कावेरी आदि जो संसार के समस्त पापों को धो देती है, वे भी सदैव इच्छा करती है कि कोई महात्मा अपने चरण स्पर्श से हमें पावन करे। ऐसा संतों का प्रभाव है, गत जन्मों के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही श्री साईं चरणों की प्राप्ति संभव है। मैं श्री साईं के मोह विनाशक चरणों का ध्यान कर यह अध्याय समाप्त करता हूँ। उनका स्वरूप इतना सुंदर और मनोहर है, मस्जिद के किनारे पर खड़े हुए वे सब भक्तों को उनके कल्याणार्थ उधि वितरण किया करते थे। जो इस विश्व को मिथ्या मानकर सदा आत्मानंद में निमग्न रहते थे, ऐसे सच्चिदानंद श्री साईनाथ महाराज के चरण कमलों में हम सभी का बारम्बार प्रणाम है, बारम्बार प्रणाम है। श्री साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 10 संपूर्ण। साईं बाबा के साईं सच्चरित का यह महाग्रंथ का अध्याय 10 संपूर्ण हुआ। आपने देखा कि बाबा के श्री चरण कितने मोह विनाशक थे, और हर भक्त जो बाबा की इस कथा को सुन रहा है वह बहुत ही भाग्यशाली है, जिसे साईं की द्वारिका माई में साईं के सानिध्य में बाबा की यह कथा सुनने का मौका प्राप्त हुआ है। तो चलिए बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। फिर मिलते हैं अगले अध्याय पे, अध्याय 11 पे। ओम साईं राम।